विधानसभा चुनाव में शराब नोट साड़ी खुलकर बांटे गए, कहा पूर्व विधायक ने। अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में धन बल का खुलकर प्रयोग हुआ। राष्ट्रीय पार्टियों ने झूठे वादे, खोखले दावों सहित बेहिसाब पैसे खर्च करके मतदाताओं के बीच शराब नोट साड़ियां कंबल आदि बांटे, कहा पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने। श्री तिवारी का कहना था, विंधवा रीवा में दूसरी पार्टियों का सीट का न आना आधुनिक युग का कमाल है। वह वर्ग जो अपने को ज्यादा बुद्धिमान व होशियार मानता है, आज वही सबसे ज्यादा लॉलीपॉप के चक्कर में आ रहा है। जहां निर्वाचन आयोग एक तरफ एक सीमा बांध कर राष्ट्र का प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की बात करता है, वहां मैं समझता हूं कि पूरी तरह से निर्वाचन आयोग इस कार्यक्रम में असफल रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय दलों द्वारा अंधाधुंध बेहिसाब काला धन बांटकर जिस तरह से लोकतंत्र को कलंकित किया, जिस तरह से हमारे संविधान के ढांचा से जो चुनाव प्रक्रिया का एक रूपरेखा है उससे भटकाव करके ये नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसे लगता है कि हम निर्धन सामान्य व्यक्ति या जनसेवा का मन बनाने वाला व्यक्ति जो जनसेवा करना चाहता है वो अब करोड़ रुपए के खेल में बहुत पीछे हो गया है, और अब ऐसा व्यक्ति ना तो चुनाव लड़ सकता, जीत तो हासिल करना दूर की बात है।